आपको जानते हैं जुलाई 2020 गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है ट्रेन का प्राइवेटाइजेशन है ना, और 151 पैसेंजर ट्रेन अनाउंस की गई हैं, 109 नए रूट्स अनाउंस किए गए हैं। प्राइवेटाइजेशन करने का जो रीजन है उसमें एक बड़ा कारण यह है कि अभी तक भारत सरकार के पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, उस लिमिटेड रिसोर्सेज पर या तो आप वेलफेयर के लिए वर्क कर सकते हैं लेकिन उसके लिए वर्ल्ड क्लास जो सर्विसेज हैं उनको कॉम्प्रोमाइज करना होगा, ये एक मेन चैलेंज है। और उसी का ऑप्शन निकालते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्राइवेटाइजेशन करने का विचार किया। इसके कारण एक बहुत बड़ा आंकड़ा हम सोच सकते हैं, भारत सरकार सोचती है कि 30,000 करोड़ का सरकार को इन्वेस्टमेंट के तौर पर मिलेगा, प्राइवेट फील्ड से इन्वेस्टमेंट आएगा। डेफिनेटली अपने आप में बड़ी बात है ये। सालों से मोनोपोली गेन की हुई हमारे जो रेलवे है अब प्राइवेटाइजेशन के साथ कॉम्पिटिशन को फेस करेगी। तो आपके क्या विचार है इसके बारे में? मैं आज चाहती हूँ हम इनके बेनिफिट और चैलेंजेस को डिस्कस कर सके आज के इस बार के मेंस का 2021 का। ये डेफिनेटली क्वेश्चन हो सकता है पीजी के अंदर, क्वेश्चन बने ना बने मेंस के डेफिनेटली बनेगा या फिर केस स्टडी के अंदर भी बैठ सकता है। तो मैं चाहूंगी कि आप इसके बेनिफिट्स के बारे में थोड़ा डिटेल करें। कृति आपसे शुरू करते हैं। रेलवेज का प्राइवेटाइजेशन इसी वजह से जो गवर्नमेंट के पास जो रेलवेज का जो अब तक था मोनोपोली आप जैसे बोल तो वो प्राइवेट प्लेयर्स को ट्रांसफर किया जाएगा, वो ट्रांसफर रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, एक विन विन सिचुएशन क्रिएट होगी जिसकी वजह से किसी की मोनोपोली नहीं रहेगी और बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करने का वो लोग ज्यादा सोचेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बेटर सर्विस प्रोवाइड करेगी और प्राइवेट प्लेयर्स भी ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। और ये चीज और एक बेनिफिट है इसका कि जो ट्रांजिट का टाइम है वो कम हो जाएगा जिसकी वजह से हम उससे मोर सेफ्टी भी हमें मिलती है। और हम देखें तो ट्रांजिट के टाइम से सेफ्टी कैसे मिली हुई है? ट्रांजिट के टाइम से सेफ्टी ऐसे जुड़ी हुई है कि ज्यादा टाइम होता है ना तो कि और लंबे रूट मतलब कि हम ब्रेक जितना कम होगा उतना की जो थेफ्ट की जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं होगी। हाँ तो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होगी। फिर एक बात ये है कि इंडियन रेलवेज में प्रॉब्लम क्या मतलब प्रॉब्लम क्या है कि डिमांड और सप्लाई टिकट्स की इम्बैलेंस है। डिमांड हमेशा से ज्यादा ही रही है सप्लाई के सामने। तो प्राइवेट प्लेयर्स जब आएंगे ये फील्ड में तो ये जो डिसबैलेंस है वो प्रॉपर बैलेंस में आ जाएगा कि वो लोग डिमांड को फुलफिल कर पाएंगे। ओके और ये है कि इसकी वजह से कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ेगी, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब इंडियन रेलवेज को भी कॉम्पिटिटिवनेस मिलेगी। तो वो लोग भी क्या बोल सकते हैं कि वो लोग भी बेनिफिट्स प्रोवाइड करने का सोचेंगे वेलफेयर के साथ साथ ही खुद को। तो ये मेरे ख्याल से बेनिफिट्स है प्राइवेटाइजेशन के। ये शाह मुझे इस बारे में कुछ बताएंगे, आपको क्या लगता है क्या बेनिफिट्स हैं? जैसे कि हम बात कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन रेलवे प्राइवेटाइजेशन के बारे में, तो सबसे पहला मैं बेनिफिट जो मैं देख पा रहा हूँ वो है वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस, पैसेंजर एक्सपीरियंस। जैसे कि बहुत सारे विकसित देशों में देखा जाता है कि वहाँ के ट्रेन में काफी सारी सुविधाएं दी जाती है, तो अगर यहाँ पे अगर रेलवे प्राइवेटाइज हो जाती है तो वो सारी सुविधाएं पैसेंजर को उपलब्ध होगी। और दूसरा मैं बेनिफिट ये देख पा रहा हूँ कि जॉब क्रिएशन, मतलब अगर रेलवे प्राइवेटाइज हो जाती है तो बहुत सारी जॉब नई क्रिएट होगी, बहुत सारे मतलब ऐसे पॉइंट्स बनाए जाएंगे जहाँ पे लोगों को मतलब जॉब दे सकते हैं। ओके चतुर्वेदी मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगी। आपने बोला कि बेनिफिट्स में जॉब क्रिएशन, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन में चीजें हैं कि इससे टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस किया जाएगा, तो टेक्नोलॉजी के एडवांस होगा तो डेफिनेटली मैन को रिप्लेस करेगा, तो मैन पावर तो ज्यादा की बजाय कम रहेगी। तो फिर इसमें आप जॉब की अपॉर्चुनिटी कैसे देख पा रहे हैं? मैं जॉब की अपॉर्चुनिटी इस नजरिए से देख पा रहा हूँ कि अगर टेक्नोलॉजी मतलब ज्यादातर टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे हम कंप्यूटर को देखते हैं, तो जो भी कंप्यूटराइज और जो भी अभी नए स्किल्ड एम्प्लॉयज थे जो ऐसी जॉब ढूंढ रहे हैं तो उन्हें मतलब जॉब मिलेगी, मतलब हमारा ओवरऑल स्किल इम्प्रूवमेंट भी होगा इंडस्ट्रियल सेक्टर में। और बाकी के जो भी नए पढ़े लिखे युवा है मतलब जो कंप्यूटर चलाना चाहते हैं उन्हें भी जॉब मिल सकती है। ओके
इसके अलावा जॉब क्रिएशन को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी भी है। मुझे लगता है कि इसके लिए ये ऐड ऑन कर सकते हैं हम लोग कि जॉब इसलिए भी क्रिएट होगी क्योंकि जो कोचेज हैं या फिर जो इसके अंदर जो भी इनके कोच बनेंगे या फिर जो इनके डब्बे होंगे उनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी क्योंकि मेक इन इंडिया के तहत ये प्रोग्राम है। तो अगर इनकी इंडिया के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी तो डेफिनेटली इंडिया में हमारा जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो आप यहाँ पर ये चीज कोट कर सकते हैं तो डेफिनेटली इट विल अ गुड इम्पैक्ट बिकॉज मेक इन इंडिया अगर इम्प्रूव होगा तो मतलब ऑल ओवर हमारा सारा इंफ्रा इम्प्रूव होगा, इससे जुड़ा हुआ सारा रॉ मटेरियल इम्प्रूव होगा। इट इज इट कैन बी ऑल्सो अ गुड पॉइंट। फाइन, मैं चाहूंगी कुछ बेनिफिट, अगर आपको कुछ चैलेंजेस अगर हो तो चैलेंजेस भी डिस्कस करें, थोड़ा सा चैलेंजेस बताएंगे, क्या चैलेंजेस आपको लगते हैं? सबसे पहले तो मतलब जो चैलेंजेस मतलब चैलेंजेस में सबसे पहले तो इकोनॉमिक पे का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है रेलवे एक मतलब पब्लिक सेक्टर है अभी हाल फिलहाल में, तो उससे गवर्नमेंट बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट करती है। लेकिन अगर रेलवे प्राइवेटाइज हो जाती है तो उसका एक मतलब सबसे बड़ा इम्पैक्ट इकोनॉमी पे आ सकता है जो मैं चैलेंजेस में देखता हूँ। मुझे बेनिफिट्स के साथ साथ में एक जो चीज ये दिखाई देती है कि प्राइवेटाइजेशन होने के बाद में जैसे जापान के अंदर अगर ट्रेन लेट होती है तो उसका मतलब अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। वो वहां पर हर ट्रेन को अगर लेट हुई तो जवाब देना पड़ता है। इस तरीके से जो हमारी अभी ये तेजस एक्सप्रेस जो है जो लखनऊ से दिल्ली के लिए है उनका भी अगर वो घंटा लेट होती है तो उसको 50 रुपीज पेनल्टी लगेगी और जो कस्टमर पैसेंजर होगा उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी वो अमाउंट। आप लोग जानते हैं इनइक्वालिटी भी बहुत बढ़ जाएगी रिच और पुअर, ताकि जब हम देखोगे कि मतलब ज्यादा वो चीज को हम अफोर्ड कर पाएगा जो रिच है वही अफोर्ड कर पाएंगे, कॉमन मैन अफोर्ड नहीं कर सकते ये चीज। तो ये मुझे एक प्रॉब्लम लगती है कि इसकी वजह से इनइक्वालिटी ज्यादा कैरी हो जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। बिकॉज़ ऐसा भी कहने में है कि जो इसके रेट्स हैं फ्लाइट के टिकट्स जो होंगे वो फ्लाइट के टिकट के बराबर लगभग हो जाएंगे तो जो मिडिल क्लास और जो लोअर पीपल हैं उनके लिए ज्यादा मुश्किल हो जाएगा फ्लाइट करना। आप बता पाएंगे मुझे समझा कि आपको क्या लगता है कि क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? कोई भी पॉइंट आपको डिस्कशन करना जैसे भी इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक पे इफेक्ट पड़ता है तो देखा जाए तो बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। बिकॉज क्या होता है ना जैसे अभी गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो अगर अपना जो बुक लेती है मतलब जो पेमेंट बुक कर लेती है तो अगर वो उनको इक्वल अमाउंट में अगर सरकार को नहीं मिलता है तो वो जो देश में जो प्रगति करना चाहती है तो वो मे बी वो ना कर पाए एंड मैं चाहूंगी चैलेंजेस के बारे में भी यश थोड़ा सा आपसे और कुछ ब्रीफ करें। दूसरा चैलेंजेस जो मैं देख रहा हूँ इसमें कि रिजर्वेशन जो हमारे जॉब कोटास में मतलब रिजर्वेशन में जो भी कोटास होते हैं अगर रेलवे प्राइवेटाइज हो जाती है तो हमारे संविधान के मुताबिक जो भी रिजर्वेशन दिए गए हैं जो सरकार ने नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को उसके भी आपके हायर करती है, लेकिन अगर रेलवे प्राइवेटाइज हो जाती है तो कहीं ना कहीं मतलब जो भी हमारे अनुसूचित जनजाति है या फिर अनुसूचित जाति है उनके साथ कहीं ना कहीं मतलब धोखाधड़ी होने की जॉब के मामले में संभावना। अच्छा आपको क्या लगता है रिजर्वेशन इज फाइन बिकॉज ऑफ हम डिबेट कर रहे हैं, कैन आस्क क्रॉस क्वेश्चन, आप रिजर्वेशन को प्रेफर कर रहे हैं रिजर्वेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, डू यू थिंक रिजर्वेशन इज द समथिंग डू यू फील इट इज सम टाइप ऑफ बेसाखी? रिजर्वेशन आपको सही मानते हैं? सही मानना या ना मानना मतलब ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो हमारे संविधान में है और हम जानते हैं कि संविधान सबसे ऊपर होता है और इनकी वजह से अगर अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति है जो भी है मतलब वुमेन्स के लिए भी रिजर्वेशन होता है, तो मतलब रिजर्वेशन का मतलब ये सिर्फ नहीं है कि मतलब इससे बहुत सारी अच्छी चीजें भी होती है जैसे वुमन एम्पावरमेंट है मतलब ये सब जो जातियां है उनको भी आगे आने का मौका मिलता है, तो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन सही भी है।
थोड़ा सा इसमें मैं इनपुट करना चाहूंगी, रिजर्वेशन एक लिमिटेड पीरियड के लिए दिया गया था, उसको हर बार 10 साल के एक्सटेंड करते रहे हैं, शुरू में 10 साल के लिए दिया गया था। तो रिजर्वेशन सिर्फ उनको ग्रोथ देने के लिए है, वो लोग जो कि जो दौड़ने की रेस में थोड़ा पीछे से हैं उनको ग्रोथ देने के लिए है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये परमानेंट चीज है। इसको आगे धीरे 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 करके कम किया जाना चाहिए, चाहे अगर आप 20% रिजर्वेशन देते हैं तो चाहे किसी से आप 19.75% ही दें, 0.25% इसका काम है, पर धीरे धीरे उनको ये समझ में आना चाहिए कि ये परमानेंट नहीं है, हमें अपनी कैपेबिलिटी से ही आगे आना है। ठीक है, और इसके अलावा चैलेंजेस में आपको भी कुछ आप और बता पाएंगे अगर आपको चैलेंजेस में सामना आता है। यस मैम, आपने जैसे बोला कि मेक इन इंडिया की वजह से सारे कोचेस और जो भी मटेरियल यूज होगा उसको उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो इधर से यूज करेंगे, पर उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो नियो कॉलोनाइजेशन पे वो बढ़ सकता है वो थॉट। और सर, न्यू कॉलोनाइजेशन वर्ड को आप प्रेफर करेंगे क्या है? मतलब कि मतलब ये है कि वो उन्होंने जैसा प्रॉमिस किया वो फुलफिल नहीं करे तो जो भी लैक होगा वो हम हमें ही होने वाला है। कॉलोनाइजेशन, कॉलोनी का मतलब वही जो अंग्रेज है यहाँ से रिसोर्सेज निकालना वहाँ पर प्रिपेयर करके देना, वही बात हम लोग यहाँ से रिसोर्सेज निकाल करके बाहर से प्रिपेयर करके आए हैं या फिर बाहर से ही खरीद लें तो हमारे देश को तो लॉस होगा, एक ये भी बात हो सकती है। एंड इसके अलावा ये भी है कि अभी बोल रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको 5% ही वर्तमान में जो स्ट्रक्चर है उसका 5% ही होगा, कोई गारंटी नहीं है कि वो पढ़ाएंगे नहीं, तो वो भी एक प्रॉब्लम। यस एक्चुअली आपके जो ये बड़े बड़े जो ग्रुप हैं जैसे BSNL है चाहे एयर इंडिया वगैरह, इनको जो बैंकरप्सी तक ये पहुंचे उस तक भी कंडीशन कभी आ सकती है, तो अपने अपने ये भी चैलेंजिंग बात है। तो ये अच्छी बात है, आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स मुझे मिले। फाइनली कंक्लूड करना चाहूंगी कि ऑल्दो इट इज अ गुड थिंग कि गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन कर रही है, क्योंकि हमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मिल पाएंगी, हम लोगों को सब तरह की सुविधाएं कम रेट पर मिल पाएंगी, हम टेक्नोलॉजी में एडवांस हो पाएंगे, टाइम को रिस्पेक्ट किया जाएगा और इनफैक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रखी जाएगी। पर साथ ही साथ ये भी सरकार के एक सजेशन के तौर पे हम लोग कहना चाहेंगे कि भारत सरकार जो उसका प्राइस है उसको भी रेगुलेट करती रहे, अदरवाइज ऐसा ना हो कि लोगों के लिए उसका प्राइस अफोर्डेबल ना रहे। और सेकेंडली एक सजेशन हम लोग ये देना चाहेंगे कि खाली प्राइवेट की जो कंपनीज हैं जो आ रही हैं खाली उनको नहीं, इसके अलावा जो और दूसरी रेलवे जो काम कर रही है उनको भी अपग्रेडेशन करने की जरूरत है, ताकि जो कॉमन मैन है वो अपने आप को कहीं इसमें डाउन या डिग्रेडेड फील ना करे। थैंक यू सो मच।